सोनीपत की राय विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी कृष्णा गहलावत के हक में वोट अपील करने के लिए आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी द्वारा लागू की गई योजनाओं का गुणगान किया और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस के समय दफ्तर में अधिकारियों की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपी नहीं है। देखें सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। बात करूं कांग्रेस के भ्रष्ट कारनामे की, तो आपने पूरा देखा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल हरियाणा के अंदर काम किया, आप देखते थे अवसरों की क्या स्थिति थी, हमारे युवाओं की क्या स्थिति थी, युवा हमारा किस तरह से देखता था, युवाओं की नौकरी लगती थी तो किस तरह से भ्रष्टाचार होता था। और हमने कहा था राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए थे। हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम ऐसा ही गठित करेंगे और जिन्होंने किसान और मजदूर के बेटों को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम एक को भी छोड़ने वाले नहीं है। और आपने देख लिया कि हमने एसआईटी के बदले की और कम से कम 150 लोगों को जेल की सलाखों के अंदर भी डाला और अभी और आने वाले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी पंथ की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये आम लोगों की पार्टी है। एक मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता जो किसान के घर से निकल करके आया, छोटे गांव से निकल करके आया, सरपंच के रूप में मैंने काम किया, पार्टी के विभिन्न दायित्व पर काम किया और आज आपके सामने पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है वो आपके सामने है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, हमारे कार्यकर्ता जो है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए, ये भारतीय जनता पार्टी जनमानस की पार्टी है। ये कभी कभी कहते हैं भगवाने का काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ इसी के भाइयों से, अरे ये तो वो कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को टिकट भी नहीं दिया और जब वो चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने हराने का काम किया, ये वो कांग्रेस है। ये कहती है कि हम एससी और एसटी का भला करेंगे, आपने कभी एससी एसटी का भला नहीं किया, आपने हमेशा बढ़ाने का काम किया, आपने तुष्टिकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर चलना सीखा है। मैं आपसे अंत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये आपने सबने देखा है और जिस तरह से आपने ये भी देखा है, हमारे राजस्थान और हरियाणा का एक मेल और है, क्योंकि हमारे राजस्थान का किसान का बेटा मजदूर का बेटा सेना में रहता है और आपके किसान का बेटा भी हमारा सेना में रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ 40 साल तक इन्होंने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया था, अगर लागू किया तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी।